नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रणधीर। स्वागत है आपका टेक्निकल रणधीर में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि निवास प्रमाण पत्र कैसे आपको डाउनलोड करना है। फ्रेंड्स बता दें, निवास प्रमाण पत्र को यानी रेसिडेंट सर्टिफिकेट बोला जाता है, जो इंग्लिश में आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट बोला जाता है, और निवास प्रमाण पत्र को आवासीय प्रमाण पत्र भी बोला जाता है। आप आवासीय प्रमाण पत्र बोलिए या निवास प्रमाण पत्र बोलिए, और या इंग्लिश में आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट बोलिए, तो कैसे आपको डाउनलोड करना है निवास प्रमाण पत्र, किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है, और कैसे आपको स्थिति चेक करना है कि आपका आवासीय बना या रिजेक्ट हुआ, यानी निवास प्रमाण पत्र का स्थिति आप चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं आपका निवास प्रमाण पत्र बना या रिजेक्ट हुआ। तो अगर बन गया तो कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन घंटे को जरूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। फ्रेंड्स बता दें, आपको निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। चलिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है RTPS। आपको सिंपली लिखना है RTPS, लिख के आपको सर्च कर देना है। चलिए RTPS लिख के सर्च कीजिए, RTPS लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप RTPS लिख के सर्च कीजिएगा, आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिले। देख सकते हैं मेरे पास RTPS 1 देखने को मिला, देख सकते हैं आपके सामने RTPS 2 आएगा या RTPS 4 आएगा। अगर आपके सामने RTPS 1 आ रहा है, तो इसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आसानी से इस साइट पर आप आ सकते हैं। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर दिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे साइड में आपको 3 डॉट देखने को मिला, देख सकते हैं यहाँ पे 3 डॉट देखने को मिला। इस 3 डॉट पे क्लिक करके आपको अपना मोबाइल फ़ोन के डेस्कटॉप साइट को इनेबल करना है। चलिए डेस्कटॉप मोड को आपको इनेबल करना है डेस्कटॉप साइट को। जैसे ही डेस्कटॉप साइट को इनेबल कीजिएगा, आपका मोबाइल PC और लैपटॉप की तरह देखने लगेगा। तो देख सकते हैं आपके सामने यही ऑफिशियली वेबसाइट है, serviceonline.bihar.gov.in। देख सकते हैं यहीं से आप जाति आवासीय आय तीनों बना सकते हैं। अगर आप जाति के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ। अगर आप निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो आप जाइए चैनल पर अपलोड हो, वो वीडियो सारे तीनों बारीकी से आप देख सकते हैं। तो हमको यहाँ पर डाउनलोड करना निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है, तो आपको नीचे स्क्रॉल कर, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते जाने के बाद आपको आना है यहाँ पर नागरिक अनुभाग में। आपको आना, देख सकते हैं यहाँ पे नागरिक अनुभाग में आपको चले आना। देख सकते हैं यही आपको नागरिक अनुभाग में आपको चले आना। तो देख सकते हैं आपको सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करने के ऑप्शन यहाँ पे देखने को, देख सकते हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड। अगर आप आवासीय प्रमाण पत्र का स्थिति देखना चाहते हैं तो आपको आवेदन की स्थिति पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो पहले आपको डाउनलोड करना है सर्टिफिकेट डाउनलोड। अगर डाउनलोड नहीं होगा तो आपको आवेदन की स्थिति पर देखना है। अगर आपका डाउनलोड हो जाए तो आपको आवेदन डाउनलोड सर्टिफिकेट पर ही आपको सिंपली क्लिक करना। तो हमको यहाँ पर क्लिक करना है सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने पे आपको सिंपली क्लिक कर देना। चलिए इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग सर्टिफिकेट डाउनलोड करने पे क्लिक कीजिएगा, देख सकते हैं आपके सामने 3 ऑप्शन देखने को ओपन हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस, आपको सेलेक्ट सर्विस में RTPS आपको रहने देना। उसके बाद एप्लीकेंट रेफरेंस नंबर यानी आवेदक का रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना। ऑनलाइन करते वक्त आपको आवेदन का रिसिप्ट नंबर आपको मिला होगा, वो रिसिप्ट आपको कैसा देख रहा होगा अभी आपको हम दिखा दो। उसके बाद एप्लीकेंट जिसके नाम से आप आवेदन किए हुए हैं निवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय बनाए हुए, उसका नाम आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखना। देख सकते हैं इन इंग्लिश में आपको नाम लिखना। उसके बाद सारा चीज़ लिखने के बाद आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आपको एप्लीकेंट रेफरेंस नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको एप्लीकेंट रेफरेंस नंबर कहाँ पर मिलेगा, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यही सही आपको रिसिप्ट मिला होगा। अगर आप खुद से किए हो तो आपको मोबाइल में आप सेव किए होंगे या प्रिंट किए होंगे, आपको रखे होंगे। अगर आप साइबर कैब से करवाए होंगे तो आपको यही रिसिप्ट आपको दिए होंगे। देख सकते हैं लोक सेवाओं का अधिकार बिहार सरकार आवेदन का ब्यूरो। देख सकते हैं आपको यहाँ पर आवेदन संख्या देखने को मिले, यहाँ पर देख सकते हैं BR CC करके जो दिया हुआ, यही आपको एप्लीकेंट रेफरेंस नंबर बोला जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम, आपको आवेदक का नेम आपको देखने को मिले। ई आवेदन का नेम आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना। चलिए इसको आपको कॉपी करना है, रेफरेंस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। रेफरेंस नंबर को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर उनका नेम आपको इंग्लिश में लिखना। चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यही आपको रिसिप्ट मिला हुआ, इसको आपको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको फिर से उसी वेबसाइट पर आपको चले आना है। तो देख सकते हैं हम फिर से उसी वेबसाइट पर आ गए। उसी वेबसाइट पर आने के लिए आपको जो अभी आपको हम कॉपी करवाएं वो आपको यहाँ पर लिखना। उसका जो आपको नेम पता है उस आवेदन का एप्लीकेंट का नाम, वो आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिखना है। चलिए सारा चीज़ यहाँ पे हम फिलअप कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे हम फिलअप कर लिए। फिलअप करने के बाद आपको साइड में आपको देख सकते हैं यहाँ पे हम फिलअप कर लिए एप्लीकेंट रेफरेंस नंबर। उसके बाद एप्लीकेंट का
इसका नेम यहाँ पे फिलअप कर ली। उसके बाद आपको साइड में देखने को मिला डाउनलोड सर्टिफिकेट, नीचे में आपको देखने को मिला डाउनलोड सर्टिफिकेट। इस डाउनलोड सर्टिफिकेट पे आपको सिंपली क्लिक करना, चले डाउनलोड सर्टिफिकेट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं जैसे ही हम डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिएगा आपका मोबाइल का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ड्राइव पीडीएफ देखने को मिले, इस पीडीएफ पे आपको क्लिक कर दे। जैसे ही आप ड्राइव पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने डाउनलोड होकर सर्टिफिकेट आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बिहार सरकार गवर्नमेंट ऑफ बिहार देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट और अंचल अनुमंडल जो भी सर्किल होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र और इंग्लिश में आपको जो बताए हैं पहले रेसिडेंट सर्टिफिकेट और इनको आवासीय सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। देख सकते हैं आपका बनकर या तैयार हो चुका था। देख सकते हैं आपका फोटो भी लगा हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फोटो देखने को मिला जो आवेदक देख सकते हैं। उसके बाद या क्यूआर कोड दिया हुआ, उसके बाद जो सिग्नेचर होगा जो सीओ होगा उनका देख सकते हैं। प्रभात यहाँ राजस्व अधिकारी होंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर आपको डिजिटल हस्ताक्षर राजस्व अधिकारी देख सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर देखने को मिला, ये आपका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिला। इसको आपको आसानी से आपको प्रिंट कर लेना और इसको अपने मोबाइल फोन में सेव कर लेना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अभी भी इस वीडियो रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए टिप्स का, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।